मुख्य फोकस एवं गुरुत्व जो मानक दिया होची छात्र छात्री का भविष्य कथा कह जाऊँ आम सहित दीप्तिमयी पतिहारी अच्छा छात्री अच्छा दीप्तिमयी आपन को स्वागत करुच प्रथमतः आम आपन को प्रतिक्रिया पूर्व देखीचुजे कि भाव समस्या उपज आपको पूरा पूरी भाव संक्षिप्त में पचारि गोटे बड़ प्रश्न जे परीक्षा आगक आसवाक जाऊँ आपड़ परीक्षा देवाक जाऊँ कौन समस्या जदि परीक्षा न हुए जदि परीक्षा हुए और परीक्षा पाई कि जो मूल्यांकन नहीं कि जो द्वंद्व रोचे कौन बड़ समस्या लगुच छात्र छात्री मानक फेस करने को पड़ो दीप्तिमयी प्रथमतः मोर समस्त नमस्कार आपण जो भाव में प्रश्न टी पचारे छात्र छात्री मान कौन असुविधा रही कि भविष्य को भी हेबाक जाऊँ तो प्रथम प्रथम भी कही सब बड़ असुविधा होमको मार्क टे मिल क्यों भाव में सीबीएसई पिला प्राक्टिकल एग्जाम अनुसार मार्क टे मिलूँ कि जो मैंने ओडिशा बोर्ड बा सीएचएससी अंडर रोचे ओके okay. तो ये मार्क को नहीं द्वंद्व रोचे आम सहित तो कमला प्रसाद महापात्र शिक्षावित अच्छा सीत महापात्र ये जो कथा पचारुंट ये तो निहाती भाव गोटे संवेदनशील प्रश्न जदि छात्र छात्री मैंने आग को कौन से भी प्रोफेशनल कोर्स चूज करेंगे निहाती भाव आप जानते प्लस टू पर ही प्रोफेशनल कोर्स चूज करती सब बड़ एग्जाम यूपीएससी प्रस्तुति आरंभ कर दिखती जिते यूनिवर्सिटी को जाती जदि समस्त को गोटे बेसीस मार्क दिजिव से बेसीसटा कौन हाँ आधार कौन हाँ और जदि से आधार टा आसब तेज छात्र छात्री मान को कौन समस्या सम्मुखीन होगा पड़ो दीप्तिमयी जो कथा कहले कथा निहाती निराधार नुहे से जस्टिफाइड कथा कहते किंतु वर्तमान प्रश्न उठुची परीक्षा कौन पाई बातिल हला आमे समस्ते जानीचे कोरोना महामारी जो भली काया विस्तार करी खाली भारत नुहे ओडिशा नुहे सारा विश्व रे वर्तमान परिस्थिति रे ओडिशा रे ऑफलाइन परीक्षा हवा कौन सी मते संभव नुहे आज तो 40 जनकर मृत्यु होई तेणु यही परिस्थिति रे सीबीएसई परीक्षाटी बातिल हला एवं सेथिरे प्रधानमंत्री निजे सेथिरे हस्तक्षेप करी तांका मीटिंग रे जोग देई सेटा को बहुत भाभी चिंतिकी परीक्षा टी बातिल कले एवं मु से व्यवस्था टी को बहुत स्वागत कली से निष्पत्ति को एवं बहु भाभी चिंती से माने सेई भली गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप नहीं थिले एवं दशम श्रेणी मध्यम बातिल करथिले सेतबेले आम ओडिशा सरकार मध्यम ता परे परे बातिल करथिले तेणु वर्तमान जहाँ जनापड़ी एवं क्लीयर हो गलाणी ओडिशा सरकार उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद अधीन जो परीक्षा चले द्वादश श्रेणी परीक्षा सेटी को बातिल करने बाध्यतामूलक भाव बातिल करिवे एवं वर्तमान प्रश्न उठुची जदि बातिल कले दीप्तिमयी गोटे भल कथा कहले जे सीबीएसई पिला मानकर बातिल हला तांकर अन्य मानदंड रही जज करने आसेस करने इवालुएट करने जथा कंप्रेहेन्सीव कंटिन्यूअस इवालुएसन सिस्टम होउची सीबीएसई रो मूल मंत्र सबुबले परीक्षा चली थाए मासिकिया परीक्षा हुए दुई मास तीन मास रे परीक्षा हुए तेणु विभिन्न परीक्षा को बेस्ट ऑफ द थ्री नहीं कि जज करें पिला आमर ये प्रश्न उठुची आमर ये परीक्षा गोटे होवल एकादश श्रेणी परीक्षा क्लास इलेवेन परीक्षा होटे आनुआल परीक्षा एवं आउ गोटे प्री बोर्ड परीक्षा बा टेस्ट एग्जामिनेशन आम जहाँ कहूँ से तेणु मत लगुच सरकार हूँ तो मानदंड या निर्धारण करेंगे यही दुईट परीक्षार बेस्ट ऑफ द टू जोटा भल परफॉर्म कर पिला तार से ही मार्क टी को कायम रखिबे एवं सबु सब्जेक्ट रे से अनुसार यही दुईटी परीक्षार परीक्षा को मानदंड बा पारामीटर भावे नहीं यार्डस्टिक भावे नहीं ताको निर्धारण करिवे बोली मु भावुची ओके मु आपन पाकु फेर भी हम सहित देवाशीष पटनायक अछंती अभिभावक संघ नेता देवाशीष बाबा आपन तो जानिबाकु चाहिबी ये जो वर्तमान परिस्थिति गोटे प्रकार कोरोना सहित लड़ई चलती छात्र छात्री को स्वास्थ्य कथा सब अधिक गुरुत्व दि जाऊँगी कि बड़ कथा है स्वास्थ्य तो बड़ कथा कि भविष्य भी आम सामने रही छात्र छात्री भविष्य भी मुख्य कथा एटी अभिभावक एवं छात्र छात्री मान आभिमुख्य कौन रहा उचित कौन केमती से भविष्य चिंता करेंगे कारण बातिल तो हम कारण गोटे प्रकार आशा जे बातिल हम कोरोना को देखी बातिल तो करा जिवो परवर्ती समय रे केमती ए जो समस्या उपजीवो ताको केमती फेस करिवे देखंदु वर्तमान जो कोरोना रो जो परिस्थिति अछि ए समय रे कोनोसी प्रकार सरकार चाहिले ही परीक्षा करि परिवे नाही ओके तापरे पिला मानु को कोनोसी प्रकार वर्तमान आमे कोनोसी प्रकार विपद को आगो को ठेली परिवे नाही द्वितीय कथा काईना एठी जीवन रो प्रश्न अछि ओके
ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଏକାଡେମିକ ସେସନ ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ଏକାଡେମିକ ସେସନ, ଦୁଇଟା କରି ବି ସେମ୍ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏଗେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ସେଇ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ସ୍କୁଲ ମାନେ ଯୋଉ କ୍ଲାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ବନ୍ଦ କଲେ। ଇଲେଭେନ୍ ଟେନ୍ଥ ଟୁଏଲ୍ଭ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଗଲା ତାକୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏ ଯୋଉ ଇଲେଭେନ୍ ଟୁଏଲ୍ଭ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଠ ପଢିଲେ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚାହିଁବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟାୟନଟା ପ୍ରପର ହେଉ। ନିହାତି ଭାବେ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଚାହିଁବେ ଯେ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ସଠିକ ଭାବେ ହେଉ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ବୃତ୍ତି।